Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aftab bin Nasir. Dear students, next map exercise 7.1 question number first. Uska second part hai. Iski statement kehta hai write the first three term. To humne three term iski find karni hai. To uske liye kya karte hote hain ji? Sabse pehle hum first term find karne ke liye n jo hai iski jagah hum 1 put kar dete hain. To yahan par aayega a n ki jagah 1 put gaya to a 1 minus 1 1 1 3 ए वन. अब माइनस वन है, इसकी पावर वन है, तो किसी भी नंबर की पावर वन होगी तो वो उसमें फ़र्क नहीं आता, तो वो वैसे ही आती है, सिंपल सी बात है. ठीक हो गया. अब यहाँ पर एन रेज टू पावर थ्री, इससे मुराद है कि एन की पावर क्या है जी? थ्री है. अब एन की पावर से मुराद थ्री से क्या मुराद है, मैं ज़रा थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि एन की पावर जब थ्री होगी तो इससे क्या मुराद ले रहा है या इसका मतलब क्या होता है. तो सिंपल मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी वो कहेगा कि n रेज टू पावर थ्री फोर फाइव जितनी भी, तो इससे मुराद होता है कि वन जो है इसको आपस में तीन दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं. सॉरी, ये वन है. ठीक हो गया. तो वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन, फिर इस वन से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आ जाएगा? वन. इसका आंसर वन ही आएगा. तो यहाँ पर इससे ये मुराद है कि वन की जितनी मर्जी पावर ले लें तो वो वन ही रहता है, उसमें उसकी एक्चुअल जो वैल्यू उसमें फ़र्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पर आ गया वन. अब माइनस वन को जब वन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर फर्स्ट इसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस वन. ठीक हो गया. अब यहाँ पर सेकंड वैल्यू लेते हैं फॉर एन इज इक्वल टू टू. तो एन की जगह हम टू पुट करेंगे, क्वेश्चन में जो एन दिया गया उसकी जगह टू पुट करेंगे. तो माइनस वन टू और यहाँ पर टू रेज टू पावर थ्री. ठीक हो गया. अब यहाँ पर ए रेज टू पावर टू. अब माइनस वन रेज टू पावर टू, तो इससे क्या मुराद है ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि माइनस वन रेज टू पावर टू इससे क्या मुराद होगी. माइनस वन जो है इसको माइनस वन को माइनस वन से दो दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं इस तरह. अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, और वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, तो ये वन प्लस का आ जाएगा इधर. तो यहाँ पर वन प्लस का आ गया. और यहाँ टू रेज टू पावर थ्री, इससे क्या मुराद है? टू रेज टू पावर थ्री से मुराद है कि जो हमारे पास टू है इसकी पावर थ्री, इससे मुराद है कि दो को तीन दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करवाएं. तो दो दो चार, चार दो आठ, तो इसका आंसर क्या आ गया? एट. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एट. तो यहाँ सिंपल हमारे पास आ गया ए टू, वन को एट से मल्टीप्लाई करें तो वो एट ही आ जाता है. ठीक हो गया. इसी तरह नेक्स्ट फॉर एन इज इक्वल टू थ्री, तो ए की जगह हम क्या पुट करेंगे? थ्री. इसी तरह माइनस वन और इसकी पावर क्या आएगी? थ्री. एन की जगह हम थ्री पुट करने जा रहे हैं ना, थ्री रेज टू पावर थ्री. अब यहाँ पर ए रेज टू पावर ए थ्री. अब यहाँ पर देखिए जी, माइनस वन रेज टू पावर थ्री से क्या मुराद है? तो इससे मुराद है कि माइनस वन रेज टू पावर थ्री से मुराद है कि माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन. तो यहाँ पर देखिए, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, माइनस आ गया, फिर वन को वन से क्या वन, फिर वन वन. इसका आंसर क्या आ गया? माइनस वन आ गया. ठीक हो गया. इसी तरह थ्री रेज टू पावर थ्री से मुराद क्या है? थ्री रेज टू पावर थ्री से मुराद थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री. तीन तीन नौ, नौ तीन सत्ताईस. तो यहाँ पर क्या आ गया? सत्ताईस. अब यहाँ पर देखें जी, ए थ्री जो है यहाँ पर माइनस वन को सत्ताईस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस सत्ताईस ही आ जाएगा. तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट थ्री टर्म जो हमने फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली. मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की और इन स्टेप्स की आपको समझ आई होगी. फिर भी कोई मसला हो तो मुझसे रब्ता करें. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.